गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुमैया। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे अपने घर में। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिगमेंटेशन फेशियल। ये बहुत ही स्पेशल फेशियल है। अगर आपके भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि चेहरे पर झाइयाँ हो गई हैं, तो ये फेशियल आपके बहुत काम आने वाला है। बहुत ही आसान से स्टेप है। अगर आप इन्हें करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चेहरे पर झाइयाँ यानी कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत लोगों में देखने को मिलती है। हमारी लाइफस्टाइल की वजह से मेन रीज़न इसका यही है, या फिर हमने कुछ प्रोडक्ट अपनी स्किन पर गलत यूज़ कर लिए हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट हो गया है, इस वजह से भी हमारे चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं। तो आज मैं आपको जो पिगमेंटेशन फेशियल दिखाऊंगी इस वीडियो में, उस तरह से आप उसे करिए, आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। गाइस, बढ़ती उम्र के साथ साथ कम उम्र के लोगों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आज जो मैं आपके साथ फेशियल शेयर करने वाली हूँ, इस तरह से आप इसे यूज़ करिए। रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम यानी कि झाइयों की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी और आगे भी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस, इस फेशियल को बनाने के लिए हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पोटैटो यानी कि आलू। तो हम एक मीडियम साइज़ का आलू ले लेंगे और उसे हम बॉयल कर लेंगे। ये मैंने बॉयल किया हुआ है। उसके बाद हमें इसे छील लेना है, इसका छिलका उतार लेना है। तो इस तरह से हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो गाइस, हमने ये छील लिया है। अब हम एक क्लीन बोल ले लेंगे और उसमें इसे मैश कर लेंगे अच्छे से। पोटैटो में पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, जो हमारी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को, जैसे कि डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, और चेहरे पर अगर आपके दाग धब्बे हो गए हैं, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है, चेहरे पर निखार लाना चाह रहे हैं, डेड स्किन हो गई है, तो ये सारी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाती है। और पिगमेंटेशन में तो ये बहुत ज़्यादा काम करता है, और डार्क स्पॉट्स में। इस तरह से हम इसे मैश कर लेंगे। तो गाइस, ये अच्छे से मैश हो गया है। अब जो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है दही यानी कि योगर्ट। ये भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो 1 स्पून हम इसकी ले लेंगे, देखिए इतनी, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब जो हमारा लास्ट एंड थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है राइस वाटर। राइस वाटर हमें किस तरह से बनाना है, आप चावल लीजिए, 2 चम्मच मैंने यहाँ चावल लिए हैं। इन्हें हम 2 घंटे के लिए भिगो देंगे अच्छे से धोने के बाद, यानी कि आप पहले इन्हें अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद आप इन्हें 2 घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद जो इसका वाटर है हमें वो ही यूज़ करना है। ये बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, तो थोड़ा सा हम इसमें वाटर ऐड कर लेंगे। और हमारा ये फेस पैक बनकर रेडी हो गया है। ये बहुत अच्छा फेस पैक है, आपकी पिगमेंटेशन यानी कि झाइयाँ की प्रॉब्लम इसे लगाने से दूर हो जाएंगी। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जापान में, कोरिया में राइस का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। वो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट में, जैसे कि राइस टोनर, राइस क्रीम, उसमें बहुत ज़्यादा राइस का यूज़ करते हैं। उनकी स्किन ग्लासी स्किन होती है, तो ये फेशियल भी वहीं से इंस्पायर्ड है। तो बहुत अच्छा ये फेशियल है अगर आप इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि राइस हमारी स्किन को ग्लासी लुक देता है, हमारी झाइयों को दूर करता है, हमारे डार्क स्पॉट्स को दूर करता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। तो ये अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम यानी कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम 100% दूर हो जाएगी। इस तरह से आप इसे बना लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह से अप्लाई करना है। तो गाइस, हमारा ये फेस पैक बनकर रेडी हो गया था। अब मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरह से अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई करें। ये है हमारा पिगमेंटेशन फेशियल। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इसका। बहुत इफेक्टिव रेमेडी है आपकी हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो इस तरह से आप इसे लगाइए पूरे फेस पर, जिधर आपके डार्क स्पॉट्स हैं उधर भी आप इसे अप्लाई करें। पूरे फेस पर इस तरह से अप्लाई करें। और उसके बाद आप इसकी हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करिए। मसाज मस्ट होती है। आप जो भी फेस पैक अप्लाई करते हैं उसमें मसाज करिए, सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज करिए।
तरह से आप मसाज करिए, आप ये स्टोर कर कर रख सकते हैं 2 डेज के लिए। आप इतना बना लीजिए कि आपका 2 दिन ये चल जाए। देखिए 1 से 2 मिनट तक आप अच्छे से इसकी मसाज कीजिए, उसके बाद आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। जब ये सूख जाए तो आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। ऑल स्किन टाइप पर इसे यूज़ किया जा सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप इसे रेगुलर यूज़ करिए तभी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है आपने एक दिन लगाया एक दिन छोड़ दिया, आप इसका रेगुलर यूज़ करिए तो 1 वीक में ही आपको लगेगा कि आपके जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो गाइस मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, 15 से 20 मिनट्स बाद आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें और आप देख सकते हैं कि मेरा चेहरा कितना क्लीन लग रहा है। तो आप इस तरह से रेगुलर यूज़ करिए, आपको 100% विजिबल रिजल्ट मिलने वाला है इसका। बहुत अच्छा फेशियल है, इस तरह से आप इसे अप्लाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि ये फेस पैक किसी के भी काम आ सकता है। जिसके भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, उनके साथ ये शेयर करिए, बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस तरह से आप इसे यूज़ करिए, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपके चेहरे पर अलग ही निखार देखने को मिलेगा, आपकी स्किन स्पॉटलेस हो जाएगी, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, सन टैन टैनिंग की प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। गाइज अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि ये रेमेडी कभी भी किसी के भी काम आ सकती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी और भी यूज़फुल से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हम फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।